बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी लज्जत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। मुबासरत से पहले मियां बीवी का चंद मिनट एक दूसरे के जिस्म से खेलना दोनों में मोहब्बत पैदा करता है। पहले दोनों मियां बीवी कपड़ों समेत अपने जिस्म को एक दूसरे से मसलें और कुछ देर बाद एक दूसरे के जिंसी अज़ा को हाथ से टटोलें और मसल कर दोनों मियां बीवी खूब लुत्फ अंदोज करें। लिबास उतारने से पहले चंद मिनट का ये खेल ना सिर्फ हसूल लज्जत का एक अच्छा जरिया है बल्कि उससे बीवी को मुबासरत के लिए मुकम्मल तैयार भी किया जाता है। मोहतरम नाजरीन, बीवी से सोहबत कैसे करें? शरीयत ने बीवी के पूरे बदन से नफ़ा उठाने की इजाज़त दी है, लेकिन पिछले हिस्से में सोहबत करना बीवी से भी हराम है। अलबत्ता अगले हिस्से में आप जिस तरह चाहें मुबासरत कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, औरत से चंद तरीक़ों से खूब लज्जत ली जा सकती है। नंबर एक, मुबासरत करने वाले कमरे को रोमांटिक बनाएं। उस कमरे की लाइट मदहम हो, क्योंकि मदहम लाइट में औरत का जिस्म खूबसूरत और पुरकोशिश दिखाई देता है। नंबर दो, मुबासरत से पहले मियां बीवी दोनों अपनी शर्मगाह को ठंडे पानी से धो लें। ये मर्द की टाइमिंग में इजाफा करता है और औरत की शर्मगाह कदर तंग हो जाती है, जिससे काम करने में बहुत लुत्फ महसूस होता है। नंबर तीन, कुशादा बिस्तर का इंतज़ाम कर लें, और बिस्तर ना बहुत ज़्यादा नरम हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो। नंबर चार, मुबासरत के लिए मियां बीवी के पास वक्त खुला होना चाहिए। माहरीन के मुताबिक कम से कम एक घंटा वक्त ज़रूर होना चाहिए। नंबर पाँच, मियां बीवी खुद एक दूसरे के कपड़े उतारें। इस तरह करने से एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो में गलती से कुछ गलत बता दिया हो तो अल्लाह की ज़ात हमें माफ़ करे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अच्छी बात को शेयर करना भी सदकाए जारी है।